नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कंडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्शन सेशन। और आज के हमारे सत्र में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है हिंदी, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिंदी। और जिस विषय पर हम बात करेंगे, जो टॉपिक हमारे आज का सेशन का रहेगा वो है दुख का अधिकार। और हमारे ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर 9 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। साथ ही हमारे जो सत्र है वो कक्षा 9 के छात्रों के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। इसके अलावा आप YouTube के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल CRT ऑफिशियल, उसके लाइव चैट बॉक्स पर जाकर किसी भी तरह का कमेंट हो या क्वेरी हो आप ज़रूर वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सत्र हमारे YouTube चैनल पर बाद में देख सकते हैं। तो आज का ये सत्र हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ी हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट का नाम है डॉक्टर अपाला भार्गवी। शी इज कंसल्टेंट एंड टीचर ऑफ हिंदी सब्जेक्ट। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो चलिए सेशन आज का हम ये शुरू करते हैं, सीधे मैम की तरफ रुख करते हैं। तो मैम, जैसे टॉपिक है दुख का अधिकार, मैं समझती हूँ सुख की बात तो सभी करते हैं, सुख की चाहत सभी करते हैं, लेकिन दुख एक ऐसा चीज़ है जिसको जो सभी चाहते हैं कि हमें कम से कम मिले और मिले ही ना। लेकिन आज हम ये टॉपिक के साथ आए हैं दुख का अधिकार, तो क्या आज हम इस पे पढ़ने वाले हैं, क्या लेखक हैं इसके, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल, जिनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि ये स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। भगत सिंह के साथ इन्होंने लंबा काम किया, तो क्रांतिकारी विचारधारा रही। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज़ादी के बाद भी इनका यही काम रहा कि किसी भी तरह समाज में समानता आए, हर दृष्टिकोण से, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर दृष्टिकोण से। इस प्रसंग में उन्होंने कई ऐसी छोटी मोटी बातें की। हम बात करते हैं सुख के लिए तो हम चाहेंगे कि हर किसी को अधिकार मिले, शिक्षा का, बढ़ने का, विकास का अधिकार मिले, डेवलपमेंट का के लिए हर किसी को मौका मिले, लेकिन दुख के लिए भी अधिकार चाहिए। ये बात अपने आप में एक लेखक ही कह सकता है, उसकी ओर इशारा कर सकता है। किसी भी विषय पर हम जाएंगे तो हम उसमें देखते हैं कि सुख, हर किसी को सुख का मौका मिले, दुख का मौका किसी को क्यों मिले और कैसे मिले, ये इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं कहानी, एक ऐसी स्त्री की है जिसका जो बेच रही होती है, खरबूजे बेचती है, खरबूजा बेच रही है और अचानक वो रोती है। लोग आसपास मार्केट में, बाजार में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ लोग, लेखक वहाँ खड़ा होता है और लेखक खड़े खड़े वहाँ सोचता है कि औरत रो क्यों रही है। तो कहानी संक्षेप में, चूंकि समय का भी अभाव है, उस दृष्टिकोण से मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि कहानी मैंने शुरू कर दी कि छोटे में हम ये जाने कि वो स्त्री रो रही है और उसके रोने पर बाजार में सवाल खड़े होने लगते हैं। कोई फब्तियां कसता है, कोई ये कह रहा है करे ये स्त्री सब सब्जी बेच रही है, और इसका उसी प्रसंग में, बातचीत के प्रसंग में ही लेखक को यह मालूम चलता है कि कुछ दिनों पहले, कल रात ही इसका पुत्र, एक 23 साल का इसका जवान लड़का मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बावजूद ये यहां बाजार में बैठकर सब्जियां बेच रही है, खरबूजे बेच रही है। ये लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारी संस्कृति में लोग लंबा शोक मनाते हैं, तो उसमें भी कोई पैसा, बाजार में बैठने का मतलब क्या है, कमाने का उद्देश्य कमाना है, तो लोगों की नजर में ये आता है कि अरे ये स्त्री तो कमाने के लिए बैठ गई। लोग उस प्रसंग को नहीं जानते, उसके पीछे की कहानी को नहीं जानते कि वो क्यों बैठी। इस बात की ओर लोग इशारा, लेखक इशारा करता है। लेखक ये कहता है कि सुख तो सुख है, और उसी प्रसंग में लेखक आगे भी बताता है कि कुछ दिनों पहले एक मोहल्ले में एक और मृत्यु हुई, जिसमें वो बड़े घर में मृत्यु हुई, तो वो महिला जो है, जिसका बेटा मरा, वो
बार बार मूर्छे खा रही है, तो उसके पास मौका है कि वो लंबा अपने पेट के का ध्यान न रखे, अपने भूख का, अपने परिवार पीछे छूटे हुए परिवार का के भरण पोषण की चिंता न रहे, उसे मूर्छा आ सकती है। लेकिन इस स्त्री में किस परिस्थिति में ये रोती हुई स्त्री बैठकर सामान बेच रही है, इसके बारे में समाज जानने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरीके से उसको वो अधिकार नहीं मिलता, इतना भी अवसर नहीं मिलता कि वो रो सके। तो इस बात की ओर लेखक इशारा करता है कि दुख भी है, एक तो दुख, और उस पर भी इतना भी मौका ना मिले कि वो रो सके, ये बात लेखक कहता है। और इसीलिए इस कहानी के माध्यम से वो समाज के ऐसी धार्मिकता, ऐसी रूढ़िवादिता, ऐसा खोखलापन जो समाज में दिखता है उस पर अटैक करता है, उस पर सवाल खड़ा करता है कि ये बातचीत के प्रसंग में लेखक अपने तरीके से ये हमारा इशारा खींचता है, और हमें ये मौका भी देता है लेखक कि हम आत्मचिंतन करें, एक पाठक की तरह, एक समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक की तरह हम आत्म आलोचना करें, आत्मचिंतन करें कि क्या ऐसा होना चाहिए। कहानी की शुरुआत में कैसे वो स्त्री गरीब है ये जानने के लिए लेखक कहता है कि पोशाक से ही सारी चीजें पता चल जाती हैं, कि पोशाक ही किसी भी व्यक्ति का आईना होता है, पहला आईना, पहले उसको, सबसे पहले उसको इसी नजरिए से देखते हैं कि वो कैसा कपड़ा पहन रखा है उस व्यक्ति ने। तो जिस कपड़े में वो है उससे पता चलता है कि उसका तबका, उसकी जाति, उसकी श्रेणी या निम्न श्रेणी है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर तमाम बातें उस पोशाक के माध्यम से लेखक शुरू करता है, और एक जगह लेखक जाता है और जाकर कहता है कि एक विडंबना ये भी है कि मैं अमीर हूँ, मैं मध्यम वर्ग का हूँ, मैं खा सकता हूँ, भरण पोषण के लिए मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने सूट बूट पहन रखा है, मेरी इतना भी मेरे पास अवसर नहीं कि मैं बैठ जाऊं और उस स्त्री के बहते हुए आंसू को मैं पोंछ सकूं और उससे ये जान सकूं कि वो रो क्यों रही है। तो बातचीत के क्रम में आसपास जो और भी दुकान के लोग और कुछ ऐसे सेठ हैं, घूमते हुए लोग हैं, उनके माध्यम से वो इस स्त्री की परिस्थिति को जानता है, जानने की कोशिश करता है और उसकी ओर हमारा इशारा करता है। कहानी में एक जगह और आता है कि वो स्त्री, अब तक तो ये पता चला कि वो गरीब होती है, उसका बेटा मर गया, आगे ये भी पता चलता है कि उसके खरबूजे बेचने के पीछे का कारण ये है कि वो जितना भी पैसा था अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे की रक्षा के लिए उसने जो कुछ भी था वो बेच दिया, उस जिस भी डॉक्टर या वैद्य, ओझा, जिसको भी बुलाती है, चूंकि सांप ने काटा है तो जो गांव में जिस तरीके से और शहरों में जो माध्यम होता है, इतनी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था तो होती नहीं, तो उस दौरान उसके पास जो भी बची खुची पैसे जमा राशि थी वो सब खर्च हो जाता है। आगे उसने देखा कि कल, अब इस एक बहुत ही चुटीला वाक्य कहता है लेखक कि जन्म लेता है तो बिना वस्त्र के आ सकता है, लेकिन मौत के बाद बिना वस्त्र के नहीं जा सकता। तो वो वस्त्र क्या है? कफन। तो कफन के लिए भी तो कपड़ा चाहिए उसके बेटे के लिए। वो अब सोचिए कितना मर्म पैदा करता है लेखक कि वहां बैठ, कहता है कि उस कफन के लिए वो वहां बैठ जाती है, और बाद में दिखता है कि उसकी बहू और उसके पोते सब घर में हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, सुबह उठती है। ऐसी अवस्था में एक गरीब आदमी किस तरह से लड़ रहा होता है समाज से, अपने हर पल के लिए वो एक संघर्ष कर रहा होता है, ये बात कहानी में खड़ा करते हैं। तो एक तरह से इस पूरी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें
बरबस प्रेमचंद की याद हो आती है, प्रेमचंद की कहानी, ऐसी कई कहानियां उन्होंने लिखी, कफन लिखा और पूस की रात लिखी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी कई कहानियां हैं जिसमें ऐसे वर्ग संघर्ष को, ऐसी बातों को कहानियों के माध्यम से समाज के आगे लाया गया है। तो इस कहानी में एक ये बहुत बड़ा अवसर आता है जब लेखक ये बात हमारे आगे लेकर आता है कि हम हर तरीके से सोचें, एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी हर मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा होता है, बच्चों की शिक्षा, बिल्कुल आज के समय को देख लें, या फिर किसी भी ऐसे मुद्दे को, हम अगर सैनिक की ही बात ले लें, उसके पास भी अवसर नहीं होता कि बैठकर रोए, मातम मनाए, संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन उस संघर्ष से हम निकलें कैसे, ये जज्बा होना चाहिए उस स्त्री जैसा कि वह तमाम फब्तियां, तमाम लोगों के कमेंट को सुनते हुए भी, साथ ही अपने दुख को सहेजते हुए भी, नियंत्रित करते हुए भी, ठीक है आंसू बह रहे हैं, लेकिन आंसू बहकर भी उसे इस जगह विवश कर रहे हैं कि वो इतने लोगों की बातें सुन रही है, और उस संघर्ष से गुजरते हुए वह अपने पीछे छूटे हुए बेटे, बेटा और उसके परिवार, बेटे के परिवार के छूटे हुए परिवार के भरण पोषण के लिए बाजार में बैठ जाती है और सामान बेचती है। तो यह कहानी बहुत मार्मिक है और एक क्रांति से जन्मा हुआ लेखक, पैदा हुआ लेखक ही इस ओर इशारा कर सकता है। तो यानी अब हम, मुझे लगता है कि हम लेखक की यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, अगला जो हमारा सेक्शन होगा, मैम मुझे लगता है कि अब आप लेखक का यहाँ पर परिचय करवाने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेखक के बारे में जानना चाहिए क्योंकि उसकी, वो किस तरीके से चीजों को रखता है, रखने के पीछे उसका अपना इतिहास क्या रहा है, उसकी परवरिश कैसे रही, कैसी रही है। तो बहुत ही, अब आजादी के समय की बात है, वो समय अपने आप में एक खास तरह के संघर्ष का समय रहा। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ और होशियारपुर, फिरोजपुर छावनी में हुआ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि क्रांति और सैनिकों के ही आसपास इनका भरण, मतलब इनकी पूरी परवरिश होती है। और यशपाल, जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से, कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे, जो भगत सिंह द्वारा और उनकी पार्टियों द्वारा बनाया गया था उसके, हाँ, और पूरी लड़ाई इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, बाद में ये अंग्रेजी हुकूमत भारतीय, भारत के अंदर समाजवाद को और समानता को लाने के लिए वो काम करने लगता है, वो जो विरोध का भाव है उनके भीतर, क्रांतिकारी भावना जो है, एक तो ये होता है, यथार्थ का लेखन, यथार्थवादी लेखन करते रहे, जो इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। तो यथार्थ को ये हमेशा समाज के हमारे सामने अपने लेखन के माध्यम से लाते रहे। और इन्होंने कई 3 एकांकी लिखे, 10 निबंध संग्रह हैं इनके, 3 संस्मरण पुस्तकें हैं इनकी, 8 बड़े और 3 लघु उपन्यास लिखे इन्होंने। इसके अलावा एक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया जिसका नाम विप्लव है था। और इनको अगर जानना है तो इनके 2 प्रमुख इनकी कृतियां हैं, एक है झूठा सच। अब सोचिए इस नाम में क्या है, झूठा और सच, ऐसा सच जो झूठा है। तो झूठा सच और दिव्या, ये इनकी 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं इन। और इन्होंने अपने बारे में अपनी आत्मकथा जो लिखी, उसका नाम था सिंहावलोकन, यानी ऊपर से नीचे तक सिंह की स्थिति में खड़े होकर उन्होंने पूरा अवलोकन किया, अपने पूरे जीवन को उन्होंने देखा और ये पुस्तक लिखी। तो इस तरह से, इसीलिए, और इनकी एक और विशेषता थी कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी उसमें हिंदी के साथ साथ इन्होंने बखूबी
अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। इस कहानी में अब हम कहानी लेखक के बारे में जितना हमने जाना, उसके बाद हम देखते हैं कि इस कहानी में किन किन, कहानी तो हमने संक्षेप में बताई, अब इसके साथ हम देखते हैं कि वास्तव में इन कहानियों पर किस किस और इशारा किया जा रहा है। एक तो किया जा रहा है सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता पर बात करते हैं कि किस तरीके से समाज में भिन्नता है, जो हमने देखा है कि एक अमीर की का तकलीफ, अमीर का दुख और एक गरीब का दुख, ये दोनों दिख रहा है, इस पर बात की उन्होंने। दूसरा वर्ग संघर्ष, वो दिखा कि किस तरीके से एक वर्ग, गरीब तबका है, वर्ग यहाँ तबके की बात कर रहे हैं, गरीब तबका है, किस तरीके से वो संघर्ष, हर पल हर चीज के लिए वो संघर्ष करता है, ये इशारा करता है। और उसमें बहुत सारी ऐसी बाह्य आडंबरों की बात की जा रही है, जिस शब्द का बाह्य आडंबर मतलब तो ऊपर से दिखावा, तो 13 दिन का सूतक जो मनाने की बात अमीर कर सकता है, 13 दिन बैठकर घर में उस मातम को मना सकता है, गरीब के पास ये अवसर नहीं है। तो ऐसे बाह्य आडंबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे होता क्या है कि एक इंसान अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण दूसरे इंसान से दूर होता चला जाता है। आज की परिस्थिति में देखिए, हर पल आसपास हम यही देखते हैं कि संघर्ष में लोग एक दूसरे के दुख और तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग उसके साथ कैसे खड़ा होना है किसी के दुख में, ये लोग भूलते जा रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम आज की परिस्थिति को बखूबी देख सकते हैं, आईने की तरह ये हमें आज की परिस्थिति को दिखा सकता है, ये एक इसका है। और लास्ट इसकी जो बात है, जो मेरी ओर से मैं कहना चाहूंगी कि इस कहानी को आप कई तरीके से आपको देखना चाहिए, छात्रों के लिए ये विशेष रूप से, कि छात्र ऐसी परिस्थितियों में अगर सामने हो, अगर वो उठकर खड़े नहीं होते, अगर उठकर खड़े नहीं होते समाज की तकलीफ के साथ, लोगों आसपास की तकलीफ के साथ, तो वो चिंतन उन्हें करना चाहिए कि ऐसी क्या बातें हैं जो उनको रोक रही है किसी के दुख में साथ खड़े न होने की। आज हम किसी भी मुद्दे को उठा लें, महंगाई के मुद्दे को उठा लें, और भी जो घटनाएं आसपास घट रही हैं, तो छात्रों को सजग होना चाहिए, आत्मालोचक होना चाहिए, आत्मचिंतक होना चाहिए। ये बात लेखक अपने को वहां कहानी में खड़ा करके दिखाता है कि हम अच्छा कपड़ा पहनकर बैठे हैं और पास में एक जरूरतमंद बच्चा है, मेरा साथी है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए या नहीं। चलते चलते अगर पता चलता है कि कोई गिर गया, मेरा साथी गिर गया, तो मैं अपने ड्रेस, मेरा ड्रेस गंदा ना हो इसलिए मैं उसे ना उठाऊं, ऐसा नहीं करना है। आयरन किया हुआ शर्ट मम्मा ने पहना के भेजा है, तब भी हमें वहां उठकर गिरे हुए कीचड़ में गिर गए बच्चे को उठाना है। इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी घटनाओं तक एक छात्र को तैयार होना चाहिए हर मुद्दे के लिए। तो यहाँ इस पाठ के माध्यम से हम कई चीजों को देख रहे हैं। ये पाठ दुख, बहुत ही अजीब सा वाक्य है, लेकिन दुख छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कई दुख ऐसे होते हैं कि उसको हम पल भर में भूल सकते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें हम आजीवन याद रखते हैं। तो इनके साथ है, लेखक के साथ है, चूंकि शहीद भगत सिंह के साथ इन्होंने काम किया, वो फांसी पर चढ़ गए, तो एक दुख तो उनके भीतर रहा ही, तो वो सारी चीजें, कई ऐसे हैं उनके साथियों का छूटना, और कई ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर ये इशारा इनकी कहानी, इनकी लेखनी करती है। बिल्कुल मैम, और मैं समझती हूँ कि लेखक कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता, एक सहानुभूति भावना को उजागर किया है, साथ ही ये भी दिखाया है किस तरह से मनुष्य इन भावनाओं से पीछे होता चला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, क्योंकि वक्त हमारे सेशन में रहा नहीं, जल्दी से एक जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चूंकि आज हमने इन भावनाओं पर बात करी ही है, तो आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली हमारे जो छात्रों को,
कुछ ऐसी सीख दें कि उन्हें इन भावनाओं को अपने अंदर ढालना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और साथ ही मदद की भावना को भी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस ओर कहानी के माध्यम से भी इशारा किया जा रहा है। आसपास जो भी घटना, अभी कोविड का जो समय चल रहा है, हम फिर सुन रहे हैं कि फिर लौट रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार की रक्षा नहीं करनी, हमें समाज के बारे में सोचना है। क्या आसपास कितने ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं उनके प्रति, जिनके माता पिता दोनों इसको पिछले कोविड में नहीं रहे, तो उन बच्चों के प्रति आप किस तरह से मदद करें, उनकी किस तरह सहायता करें, ये सारी बातें हमें, इन सारी बातों की ओर हमें इशारा करना चाहिए, देख ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से। और स्कूली शिक्षा का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों के भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति जैसी चीजें विकसित हों। मानवता का विकास, किसी भी विषय के माध्यम से हम मानवता के बारे में बात करते हैं, जब भी उठाते हैं, हिस्ट्री पढ़ें या विज्ञान पढ़ें, कहीं ना कहीं मानवता के लिए है। अब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान के माध्यम से भी हम मानवता, अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में, तो आप देखें मानवता की चिंता नहीं हो रही है। तो उस इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम, मैं समझते एक बेहतर मानव बनना, मनुष्य बनना, शिक्षा का बनना सीखिए। ये सारी भावनाएं अपने अंदर आप, मैं समझती हूँ, समावेश करती है, समावेश होना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा, मानवता का पैदा होना, मनुष्यता का पैदा होना इंसान के भीतर, ये सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय की। ये इस पाठ का सार है। बिल्कुल मैम, तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप हमारे धन्यवाद आप सबका। स्टूडियो में आपने इतने खूबसूरत पाठ को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसका उद्देश्य, इसका जो सार था, संदेश आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचा, उसका एक लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, सभी बच्चों को आज गुड फ्राइडे की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी, फिलहाल हमारे सत्र को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे पीएम विद्या पर अपने एक नए सत्र के साथ। आप देखते रहे पीएम विद्या चैनल। नमस्कार।